पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित मुरादाबाद के 18 प्रवक्ताओं और 2 सहायक अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह और महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने चयनित हुए 20 नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। सिविल लाइन स्थित PMS पब्लिक स्कूल में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और अभी डीआई साहब बता रहे थे कि विभिन्न जॉब छोड़ करके कुछ लोग यहां पर आए हैं और ये शिक्षा विभाग का सौभाग्य है कि ऐसे टैलेंटेड लोग शिक्षा विभाग में आ रहे हैं। और इसका सारा का सारा क्रेडिट राज्य सरकार को जाता है कि चयन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है और इसके गवाह आप लोग हैं। आपसे अच्छा इस बात की कोई गवाही नहीं दे सकता है कि कितने फेयर ढंग से सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और निश्चित रूप से जब सरकार ने इतनी शुचिता पूर्वक परीक्षा को संपन्न कराया है तो सरकार के भी हम सब लोगों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। और आपसे क्या अपेक्षा है? आप तो खुद स्वेच्छा एक ऐसे प्रोफेसर में आए हैं जो बहुत ही पायस पवित्र प्रोफेसर हैं। और हम आप सभी जिन स्थानों पर बैठे हैं आप ही जैसे किसी प्रवक्ता ने, किसी प्राथमिक शिक्षक ने, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शिक्षा दी जिससे हम लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ सके। और यही अब यही जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है, यही कार्य आपको करना है। बच्चे जब सामान्यतया 10th के बाद 11th में आते हैं तो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, एज भी कंफ्यूजन की होती है और तमाम विचार उनके मन में चलते रहते हैं। करियर के ऐसे मुकाम पे होते हैं कि क्या करें क्या न करें उनके मन में तमाम जिज्ञासाएं और तमाम प्रश्न होते हैं। और इस मुकाम पर अगर उनको उचित मार्गदर्शन मिले, उचित शिक्षा मिले तो निश्चित रूप से वो बच्चे बेहतर कर सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।